नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। गाइस, ये है होंडा SP 125। 125 सीसी के सेगमेंट में होंडा दो बाइक बनाती है, पहला SP 125 और दूसरा होंडा साइन। इस वीडियो में SP 125 के बारे में डिटेल में जानेंगे कि 2022 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इसमें टायर कंपनी ने MRF कंपनी के दिए हैं, हेडलैम्प LED में दी है, लो बीम और हाई बीम, नॉन फ्लेक्सिबल आपको इसमें इंडिकेटर मिलते हैं, वो भी बल्ब के साथ में। कंपनी ने कोई भी DRL नहीं दिए हैं। 2022 वाले मॉडल में कंपनी ने स्टिकर सेगमेंट में चेंजेस किए हैं। लेफ्ट हैंडल पर लो बीम, हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न। इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल है। राइट हैंडल पर कंपनी ने इंजन किल स्विच दिया है, उसी में सेल्फ बटन लगा कर दिया है। 11 लीटर का टैंक मिलता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ये इस बाइक की लेफ्ट साइड से प्रोफाइल है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अग्रेसिव लगती है। 2022 के मॉडल में कंपनी ने इसके साइड स्टैंड में चेंज किया है। जब तक आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा, तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी। कंपनी ने इस बाइक में 5 गियर लगा कर दिए हैं। पहला आगे लगता है, फिर न्यूट्रल, बाकी के 4 पीछे। इस साइड कंपनी ने साड़ी गार्ड लगा कर दिया है। हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में आपको बता ही चुका हूं, जो कि इसके LED में नहीं है, और इसकी जो टेल लाइट है वो भी LED में नहीं है। इन तीनों में बल्ब मिलते हैं आपको। 2022 के मॉडल में एक और चेंज किया है कंपनी ने, जो सीट के नीचे जो प्लास्टिक लगी हुई है, जो फाइबर लगा है, वो सेम कलर में रहता है, इसमें अलग है, क्योंकि ये जो है वो 2021 मॉडल है। 125 सीसी का इंजन मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये है कंपनी ने इसमें किक भी लगा कर दी है। यहाँ पर 3D होंडा को मेंशन किया है। इसमें कंपनी ने ऑयल कूल्ड इंजन लगा कर दिया है, जो कि इससे पहले जो बाइक आती थी उसमें कंपनी ने ऐसा नहीं दिया था। और भी कई सारे कलर्स में ये बाइक आती है, जैसे कि रेड हो गया, ब्लैक हो गया, और मैरून हो गया, ब्लू हो गया। इसी के साथ साथ स्टिकर्स में और भी कई सारे चेंजेस मिल जाते हैं। आइए मैं अब आपको ऑन पेपर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। 4-स्ट्रोक SI इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम नेट पावर 8 किलोवाट 7500 RPM पर मिलती है। मैक्सिमम नेट टॉर्क मिलता है 10.9 न्यूटन मीटर का 6000 यानी कि 6000 RPM पर। और इसमें ट्रांसमिशन मिलता है 5-स्पीड मैनुअल, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हैं। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा राज स्पीड होंडा को, जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, प्रॉपर इटावा सिटी में इनका होंडा का शोरूम है, जिन्होंने मुझे ये बाइक रिव्यू करने के लिए दी है। अगर आप इटावा के आसपास रहते हैं तो आपको होंडा की कोई भी बाइक, कोई भी स्कूटी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।